हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए छोला रेसिपी। तो देखिए छोले को हमें कैसे बनाना है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हो आप अपने घर पर झटपट से इस छोले को। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर छोले को एक घंटे के लिए भिगो लिया था। और देखिए भिगोने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से फूल कर हमारे छोले यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको एक तोड़कर दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी तरह से फूल गए हैं, सिर्फ एक ही घंटे के लिए मैंने यहाँ पर भिगोए थे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकर, और कुकर में इसे डाल देंगे। हमें इसमें सीटी लगानी है ताकि हमारे जो छोले हैं अच्छी तरह से पक जाएं। अब देखिए मैंने यहाँ पर छोलों को डाल दिया है कुकर के अंदर। अब हम इसमें कुछ चीज़ ऐड करेंगे, तो उससे पहले हम नमक डाल लेंगे। इसमें आधा चम्मच आपको नमक डाल देना है। इसमें आपको बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं डालना है, यहाँ पर हम आपको नमक से ही बनाकर दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैं इसमें डाल दूंगी ये आधा चम्मच चाय पत्ती। इससे क्या होगा कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है हमें, तो इससे कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा, बिल्कुल बाजार जैसे छोलों की तरह इसमें कलर आ जाएगा। इसे डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर देखिए दो लहसुन की गांठ, और यहाँ पर एक हमें प्याज ऐड करनी है, और ये चाय पत्ती भी हमने इसमें ऐड कर देनी है। तो देखिए प्याज को मैंने छील लिया था, इसे भी इस तरह से ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर लेंगे दो से तीन टमाटर, इसे भी इस तरह से यहाँ पर रख देंगे, और इसमें हमें सीटी लगा देनी है। सीटी से क्या होगा कि ये गल जाएंगे, तो टमाटर और ये जो खड़े मसाले हैं ये भी इसके साथ अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो देखिए आपको इसे इस तरह से कुकर को लगा देना है। और देखिए यहाँ पर मैंने सीटी लगा ली है, मेरे कुकर में छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब देखना आप, मैंने निकाल कर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर गर्म ज़्यादा है, भाप की वजह से यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं इसको इस तरह से निकाल लूँगी, देख सकते हो प्याज बिल्कुल पक चुकी है। और यहाँ पर देखिए मैंने सभी को निकाल लिया है, हमारी प्याज लगभग यहाँ पर बिल्कुल ही पककर तैयार हो चुकी है। अब देखिए हम, मैं आपको छोलों को दिखा रही हूँ, मैंने इसमें सिर्फ दो सीटी लगाई हैं, दो सीटी में ही बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे ये छोले। तो आप भी अपने घर पर इसी तरह से बना सकते हो, बहुत ही झटपट से बहुत ही टेस्टी रेसिपी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ मसाले को ग्राइंड कर लिया था, और थोड़ा सा ये प्याज हमने थोड़ा सा खड़ा रखा है, इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया था। अब मैं इसमें कर दूंगी मसाले ऐड। मसालों में हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले में। तो मसालों में हम सबसे पहले यहाँ पर ले रहे हैं देखिए हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर यहाँ पर मैंने एक चम्मच के करीब लिया है। और देखिए यहाँ पर ले लेंगे लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर भी यहाँ पर मैंने एक चम्मच के करीब रखा है। अब यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और देखिए थोड़ा यहाँ पर आपको पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा मैं इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से क्या होगा, इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये हमने ले लिया है यहाँ पर, देख सकते हो आप, गरम मसाला। और अब मैं इसे इस तरह से इसमें डाल दूंगी काला नमक। काला नमक आप ज़रूर डालना, इससे क्या होगा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे सभी को, इस तरह से आपको चलाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए, देख सकते हो आप अभी से ही कलर कितना अच्छा आ चुका है इसमें। तो इसी मसाले को आपको इसी तरह से बनाना है बिल्कुल। अगर इस तरह मसाला बनाकर आप छोले बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे आपके छोले। देखिए छोले तो आप किसी भी तरह से बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं सभी तरह से। पर मैं आज आपको इस रेसिपी में नई टिप्स दे रही हूँ ये। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ प्याजों को कट कर लिया है, और ये हमारे छोले हैं जो हमने उबाले थे। अब हम क्या करेंगे, गैस पर रख देंगे कुकर, और कुकर को गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है हमारा कुकर, हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल यहाँ पर मैं सरसों का ले रही हूँ, आपको भी यहाँ पे सरसों का ऑयल लेना है। रिफाइंड में बिल्कुल मत बनाना, अच्छा नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पर हमारा ऑयल हो चुका है गर्म, मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच जीरा, और यहाँ पर हम डालेंगे आधे चम्मच के करीब हींग। हींग को भी इसमें इस तरह से आपको ऐड कर देना है। तो देखिए मैंने हींग को ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे, और इसमें अब हम ऐड कर देंगे यहाँ पर जो हमने प्याज को कट करके रखा था छोटे छोटे पीसों में, इसे भी इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। और देखिए इन्हें पकने देंगे अच्छी तरह से फ्राई होने तक। तो देखिए यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें
थोड़ा सा डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने यहाँ पर कट नहीं किया है, इसी तरह से साबुत मैंने हरी मिर्च को इसमें ऐड कर दिया है और इन्हें थोड़ा सा पकने देंगे। इन्हें पकने के बाद आपको इसमें जो मसाला मैंने बना के रखा था उस मसाले को इस तरह से इसमें ऐड कर देना है। और देखिए यहाँ पर आपको सभी को मसाले को इस तरह ऐड करते हुए इसे चलाना है, हल्के हाथ से आपको यहाँ पर चला देना है और गैस को बिल्कुल आपको लो फ्लेम पर रखना है। थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और उसके बाद में मैं इसे इस तरह से चला दूँगी। थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे, 1 से 1.5 मिनट तक। उसके बाद में हम इसमें करेंगे छोले ऐड, जो हमने छोलों को उबाल के रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें बबल्स आ चुके हैं, ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें कर रहे हैं छोले ऐड। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें छोले ऐड कर देंगे। छोलों को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, अब हम इसे चलाएंगे कुछ मिनट तक। आपको इस तरह से इसे चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और देखिए हरी मिर्च हमने यहाँ पर बिल्कुल फ्राई नहीं की थी, तो देखिए मैंने यहाँ पर चला दिया है। अब हम इसमें करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड। पानी आपको जैसा आपको यहाँ पर छोले पसंद हो, अगर आप चाहते हो यहाँ पर इसे बिल्कुल लूज बनाना तो लूज भी बना सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मीडियम रख रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतना पानी इसमें ऐड कर दिया है, 1 से 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी को ऐड किया है, इस तरह से देख सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे आपको देखिए इस तरह से दिखाते हुए इसे कुकर को हम यहाँ पर कर देंगे बंद। और आपको 1 से 1.5 सीटी इसमें अब और लगानी है, और लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर किस तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पर हमने सीटियों को लगा लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही झटपट से देख सकते हो आप। बिल्कुल 4 से 5 मिनट में हमने इन्हें बनाकर तैयार किया है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसे एक बर्तन में निकाल कर दिखा रही हूँ कैसे बने हैं। तो आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपनी फैमिली फ्रेंड्सों में इसे बिल्कुल शेयर करना मत भूलना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आज की रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने बनाकर इसे तैयार कर दिया है और देख सकते हो आप बिल्कुल बाजार जैसे छोले यहाँ पर हमने आपको बनाकर दिखाए हैं। तो आप भी अपने घर पर इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हो। देखना मैं एक बार आपको फिर दिखा रही हूँ, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है इसमें, देख सकते हो आप। यहाँ पर इसके सामने आप बाजार के छोले बिल्कुल जाओगे भूल, इस तरह बनाने के बाद अपने घर पर।